प्रदेश आपको लेकर चलते हैं क्योंकि यहां पर भी नंबर की ही चर्चा है। खबर है कि महीने के अंत में योगी सरकार मोदी सरकार की तर्ज पर कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट विस्तार यूपी में चुनावी समीकरण को साधने वाला होगा और यह भी जाहिर ही है कि इस कैबिनेट विस्तार में कुछ का नंबर आएगा और कुछ का नंबर कट जाएगा। पहले मोदी की टीम बदली, अब योगी की टीम बदलेगी। पहले केंद्र में मंत्री बदले गए, अब यूपी में मंत्री बदले जाएंगे। पहले केंद्र में जाति के गणित को साधा गया, अब यूपी में भी क्या जाति के गणित को साधा जाएगा? तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनावी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है जिस पर योगी आदित्यनाथ फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा जिसे साध कर यूपी की जीत की राह आसान हो सके। और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये जनता के सामने है, जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें पहला नाम संजय निषाद का है। संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा थी लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली, तो अब निषाद वोटों को जोड़े रखने के लिए संजय निषाद कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। निषाद समाज के अलावा राजभर समाज पर भी योगी सरकार की नजर है जिसका पूर्वांचल में काफी दबदबा है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में ओपी राजभर की काट के लिए एक और राजभर नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर मायावती और अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड की काट के लिए योगी कैबिनेट में नया ब्राह्मण चेहरा भी शामिल किया जा सकता है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद की है। कायस्थ समुदाय से बीजेपी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य ओपी श्रीवास्तव का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही एक महिला नेता को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें ज्यादा उम्र होने की वजह से मंत्री पद से हटाने की चर्चा भी है। इन मंत्रियों में मुकुट बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, चंद्रिका प्रसाद और उदयभान सिंह का नाम है। यूपी सरकार के फिलहाल 7 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भी चुनाव से पहले भरने की तैयारी है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि यहां चर्चा के बाद नए मंत्री के नामों पर मुहर लग सकती है। कुमार अभिषेक और सत्यम मिश्रा के साथ सार्थक श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।